क्या पेचेस के हवाले से, जो पुराने से पुराने पेचेस होते हैं बच्चों के, अक्सर ठीक नहीं होते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी टिप है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप घर में ही अपने बच्चों का इलाज कर सकते हैं। बच्चों को अलावा आप जिन बड़ों को ये इशू है पेचेस का, वो भी इससे इलाज कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है, आम सी चीज़ है और बहुत सस्ती भी है, और वो है ये जामुन। तो जामुन हम खा लेते हैं तो गुठलियाँ हम फेंक देते हैं। आप ऐसा ना करें, जामुन को खाएं और गुठलियाँ रख दें सेब पर के, और गुठलियाँ जब निकल जाएगी उनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद धूप में नहीं उनको सुखाना, जो छांव में उनको खुशक करना है। जब वो खुशक हो जाएंगी हम उनका पाउडर बना लेंगे। ये देखें, मैंने इसी तरह ही वो गुठलियाँ जो थी वो रख ली थी, उनको वॉश किया था। वॉश करने के बाद ये छांव मैंने इनको खुशक कर लिया। खुशक करने के बाद इस तरह से नज़र आएंगी। तो अब इनका गुठलियों का हम पाउडर बना लेंगे। आप चाहे चटुवटे में भी बना सकते हैं इनका पाउडर, लेकिन मैं इसको मशीन के अंदर ग्राइंडर कर लूँगा और इनका पाउडर बनाऊँगा। मैं अब इनका पाउडर बनाता हूँ, और पाउडर बनाने के बाद इसका तरीकाकार बताऊँगा कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इससे हम किस तरीके से बच्चों का इलाज करेंगे। जो गुठलियाँ इसके अंदर डाल देंगे हम, अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। का हमने पाउडर बना लिया इस तरह से, ये देखें। इस तरह से ये पाउडर बना लिया। तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने बच्चों का पेचस का जो इलाज घर में ही कर सके, और बच्चों के पेचस कैसे ठीक कर सके। ये दही ले लिया हमने, एक चम्मच हम दही लेंगे। अगर जो बच्चों को देना तो ये छोटी चम्मच ले रहा हूँ मैं, अगर जो बड़ों को हमने देना तो ये बड़ा चम्मच हम लेंगे। ये छोटी चम्मच मैंने ली है दही की, इसमें मैंने डाल दी। इसी तरह ही हम ये हाफ चम्मच हम पाउडर लेंगे। अगर जो बहुत ज़्यादा पेचेस का मसला है तो हम फुल चम्मच लेंगे ये बच्चों के लिए। ये देखें, अब इसमें हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद कुछ दही आपकी इस तरह से नजर आएगी, ऐसे की। इस तरीके से आपने बच्चों को दिन में तीन बार इसी तरह ही देनी है, एक चम्मच दही का और हाफ चम्मच गुठली का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर जो हमने खुशक की थी, जामुन की गुठली छांव में, और धूप में खुशक नहीं करनी है, हमने छांव में खुशक करनी है, ठीक है। इसका हमने बाद में पाउडर बनाकर किसी डब्बी में सेव कर लेना है। जब भी आपके बच्चों को ये पेचेस का रीजन हो तो ये दिन में तीन बार हाफ चम्मच आपने दही में, एक चम्मच दही का लेना है, हाफ चम्मच आपने पाउडर का लेना है, जामुन की गुठली का पाउडर, तो दिन में तीन बार आपने देनी है। अगर जो आपके बच्चों को पेचेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो एक चम्मच आपने दही का लेना है, एक ही चम्मच आपने जामुन की गुठली का पाउडर लेना है, तो आपने दिन में तीन बार देना है। तो आपके बच्चे का जो पेचेस का मसला है इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह जो पुराने से पुराने पेचेस आपके बच्चे को आ रहे हैं वो इससे का ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।